विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं सर्वतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेव स्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमिदं श्री दक्षिणामूर्तये आनंद ब्रह्म विद्यामधि जिगमिषवः तैत्तिरिया गभीरम् मीमांसन्ते स्म विश्वं तदुदय विलयम् निर्भयास्तत्स्वरूपम् कल्याणी कार्मवाणी विमृशति मधुरम् वीणयन्ती च तत्त्वम् तत्पूर्णानन्दतीर्थे मधुनिभयममी निर्द्वयम् लीलयामः कालिंदी कूलकुञ्जान्तर वल्लवी व्रज बेष्टितम् नमामि नयनानन्दम् नटन्तम् नन्दनन्दनम् बहुत बड़ी सभा जुड़ी और अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले महाराजा प्रथु भरी सभा में उठ के खड़े हुए, चारों ओर देख करके शिशिरः स्निग्ध ताराक्षः समैक्षत समन्ततः ठंडी आंखों से उन्होंने पहले सबको देखा, उसके बाद अपना भाषण प्रारंभ किया। सज्जनों, आप लोगों को मैं कोई शिक्षा उपदेश नहीं दे रहा हूं, कोई आदेश संदेश उपदेश नहीं दे रहा हूं। जो कुछ मैंने अब तक सोचा है, समझा है, अनुभव किया है, वो आप लोगों के सामने निवेदन कर रहा हूं। आप उसको अपने अनुभव की कसौटी पर कसिए। यदि कोई राजा कर वसूल करता है और प्रजा को धर्म में स्थापित नहीं करता, तो प्रजा के सारे दोष पाप का भागी वो हो जाता है। आप लोग जो कुछ करें वो सर्वात्मा प्रभु की सेवा के लिए करें, और मैं जो कुछ करूं अच्छा काम आपकी दृष्टि में हो आप उसका अनुमोदन कीजिए, हम दोनों एक हो जाएंगे। बड़े बड़े सत्पुरुषों ने अब तक ईश्वर को स्वीकार किया है। ज्योत्स्नावत्य क्वचित भुवः, दुनिया में देखा जाता है कहीं कहीं माटी बड़ी चमकदार होती है, माने कोई कोई व्यक्ति ऐसे सर्वज्ञ ऐसे सद्गुण संपन्न होते हैं कि वैसे वैसा ज्ञान वैसी शक्ति दूसरों में देखने में नहीं आती। अब उससे भी बड़ा उससे भी बड़ा उससे भी बड़ा सार्वभौम त्रैकालिक अनादि अनंत परिपूर्ण जो सबसे बड़ा है उसका नाम ईश्वर होता है। मनु उत्तानपाद ध्रुव प्रियव्रत अंग सभी लोग परमेश्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं। प्रह्लाद बलि कोई कोई नहीं भी मानते हैं। इंद्रो नास्ति ते के मन्यन्ते ऋग्वेद में आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करते। देखो, जो लोग ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते
उनके मन के लिए कोई आश्रय नहीं है, उनको कोई मार्ग निर्देशक नहीं है, अकार है, दीन है, हीन है, ईश्वर से ही त्रिवर्ग मिलता है, स्वर्ग मिलता है, अपवर्ग मिलता है। उनके चरणों की सेवा जब हृदय में आते हैं तो बुद्धि का मल क्षीण हो जाता है और प्रतिदिन वो बढ़ती है जैसे गंगा जी बढ़ते हैं। और जब मनुष्य के मन का मैल बह जाता है तब संसार के कष्ट उसको नहीं होते हैं। इसलिए हम अपनी प्रजा से ये कहना चाहते हैं कि उसके हृदय में ईश्वर की भक्ति रहनी चाहिए। ये संपूर्ण विश्व उन्हीं का शरीर है। जो लोग संविश्वात्मा प्रभु की आराधना करते हैं वो संपूर्ण विश्व की ही आराधना करते हैं, मेरे ऊपर कृपा करते हैं, तितिक्षा से, तपस्या से, विद्या से जो बड़े हैं, भगवान के भक्त हैं, विद्वान हैं, उनका कोई अपमान हमारे द्वारा न बने। सर्वात्मना ब्रह्मकुलम निषेव्यताम, सर्वात्मना पूरे मन से विद्वानों की सेवा करो। जब परमात्मा प्रसन्न होता है, अग्नि में होम करने से परमात्मा की उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितना विद्वानों के मुंह में उनके खिलाने से, पिलाने से, उनके पालन पोषण से, क्योंकि यही लोग वेद और ब्रह्म दोनों की रक्षा करते हैं, दोनों को धारण करते हैं। ये जो विद्वान हैं, महापुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, मैं तो चाहता हूं कि उनके चरणों की धूल हमेशा हमारे मुकुट पर रहे। गुणायनम शीलधनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम संवृणते नु संपदः प्रसीदताम ब्रह्मकुलम गवांच जनार्दनः सानुचरश्च मह्यम। जो मनुष्य गुणायन होता है, जिसके अंदर गुण निवास करते हैं, शील का ही जिसको धन प्राप्त है, और जो दूसरे के उपकार को समझता है और बड़े बूढ़ों का आश्रय लेकर के रहता है, संपत्ति स्वयं उसके गले में वरमाला पहनाती है। अब तो उनका व्याख्यान सुन करके सब लोग साधुवाद देने लगे। बाप कैसा था, बेटा कैसा हो गया, धन्य है आप जैसा हमारे राजा मिला, आश्चर्य है, आश्चर्य है। देखो ये तो प्रभु का अवतार है, इसके भीतर प्रभु की बहुत बड़ी सत्ता है, बहुत बड़ा अस्तित्व है। भगवान के अस्तित्व का, ईश्वर के अस्तित्व का इसी के अंदर प्रकाश हुआ है। इसी बीच में महाराज सबके सामने सूर्य के समान चमकते हुए चार सिद्ध महापुरुष प्रकट हो गए। देखते ही राजा उठ करके खड़े हो गए। हो जो अपने बड़े बूढ़ों का सत्कार करने के लिए भी उठने की तकलीफ नहीं कर सकता, वो दूसरा कोई बढ़िया काम कैसे करेगा, वो तो आलसी है। इसी से मनु जी ने कहा कि जब कोई बड़ा बूढ़ा अपने सामने आता है तो जून प्राण उत्क्रामंती का ऊर्ध्वम प्राण उत्क्रामंती जूनस कबीर आयते प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। प्राण उसका स्वागत करने के लिए उठते हैं, तुम शरीर को भी खड़ा कर लो, उठा लो, तो प्राण तुम्हारे लौटते हैं, नहीं तो कर्म की शक्ति नष्ट हो जाती है। माने जो इतने अच्छे प्रसंग पर भी उठ के खड़ा होने का परिश्रम नहीं करता, वो दूसरे परिश्रम कर्म संबंधी कैसे करेगा, तो उसकी कर्म शक्ति का लोप हो जाता है। सो नारायण, अब तो उन्होंने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। पूजाकार चंदन फेंकना, फूल फेंकना नहीं होता है। पूजा का अर्थ होता है सत्पुरुष के घर में आने के
उपलक्ष्य में उसका सत्कार अच्छे आसन पर अध्यर्भणासनान, अध्यर्भण माने बहुत बहुकीमती कीमती सिंहासन पर, जिनका अर्हण माने कीमत बहुत बड़ी है, ऐसे सिंहासन पर उनको बैठाया, उनके चरण धोकर अपना सिर भिगाया, स्वर्णासन पर बैठाया और वाणी से सत्कार किया, आप लोग मंगलायन हैं, मेरा ऐसा क्या पूर्वार्जित मंगल है कि आप लोगों का दर्शन हुआ, जिसके ऊपर प्रभु हैं उनको आप लोगों का दर्शन होता है, आपका दर्शन तो बहुत दुर्लभ है क्योंकि आप लोग चारों ओर चलते रहते हैं, चाहे घर में जितनी भी संपदा हो, जिनके घर में सत्पुरुष नहीं आते हैं वो तो जैसे श्रृगाल का घर हो ऐसा है। सो आप लोगों का स्वागत है, आप देखने में बालक हैं, बड़े बाहरी धीर हैं महापुरुष, हम अपना कुशल आपको क्या सुनाएं, हम तो जो इंद्रियों के विषय हैं भोग्य उनमें फंसे हुए हैं और तकलीफ पा रहे हैं, ये मिला ये नहीं मिला ये नहीं मिला, हम तो दुनिया में पड़े हुए हैं। अच्छा तो आपका कुशल मंगल पूछें, बोले आप तो आत्माराम हैं, आपके कुशल मंगल की जरूरत नहीं है, कुशला कुशला यत्र न संति मति वृत्तयः, आपके लिए तो कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं, तो पूछें क्या। सो मैं विश्वास पूर्वक आपसे ये प्रश्न करता हूँ कि हमारा परम कल्याण क्षेम केनांजसा भवेत, सुगमता से हमारा कल्याण कैसे होता है। आप तो परमात्मा के स्वरूप हैं, आपके अंदर परमात्मा विशेष रूप से प्रकट हुआ है, पृथ्वी की वाणी क्या है, सूक्त है, हो जैसे वेद का सूक्त होता है, पुरुष सूक्त श्री सूक्त ऐसे सूक्त है। सारम सुष्ठु मितम मधु, एक तो सार था, बोलना कैसा, चार गुण उसमें जरूर होना चाहिए, सार सार बोलो, विस्तार करके मत बोलो, सुष्ठु जो कुछ बोलो सो सुंदर बोलो, परिमार्जित बोलो, और मितम थोड़े में बोलो, और मधु जो तुम्हारे शब्द निकले शब्दों में शहद की चाशनी देकर हो, बिल्कुल मीठा मीठा बोलो, यदि तुमने कड़वा खाया है तो कड़वे की डकार आएगी, कड़वा बोलोगे वो तो यही जाहिर करोगे कि आज हमने अपने घर में मिर्च खाया है, और तो क्या बता सकते हैं। मधु बोलो, मधु बोलो, मीठा बोलो, हमारे गांव में बोलते हैं पणाइन शुभ बोला, हे पणाइन जब अपने मुंह से बोलो तो शुभ ही बोलो, किसी के लिए अशुभ मत बोलो। सनत कुमार ने कहा अरे तुम तो सब जानते हो राजा, सबकी भलाई के लिए तुमने प्रश्न किया है, क्योंकि जब दो सत्पुरुष मिलते हैं तो उनकी आपस में बातचीत, उनका प्रश्नोत्तर लोगों के कल्याण के लिए होता है, हमें मालूम है आप भगवान के बड़े भक्त हैं। सो ये भगवान का की जो भक्ति है वो संसार के राग द्वेष को मिटा देती है, भक्ति रहती है हृदय में, भक्ति माने प्रेम पूर्वक भगवदाकार वृत्ति, वो अमृत है अमृत, उससे दुनिया में किसी के प्रति राग और द्वेष, मोहब्बत और नफरत नहीं होते। आदमी मोहब्बत में जितना फंसता है हो उतने ही नफरत में भी फंसता है, जैसे मोहब्बत में आके लोग बड़ी बड़ी चीज छोड़ देते हैं ना, ब्रिटिश का जो राजकुमार है उसने तो अपना राज्य ही छोड़ दिया मोहब्बत में आके, ऐसे लोग नफरत में भी आकर के बड़ी बड़ी चीज छोड़ देते हैं, वंचित हो जाता है। तो दोनों से बचाने का उपाय क्या है, परमात्मा के चरणों में भक्ति, यही शास्त्र का सार है कि किसी भी प्रकार परमात्मा के चरणों में भक्ति हो। ये भक्ति बढ़ाने का उपाय क्या है, श्रद्धा, भागवत धर्म का पालन, जिज्ञासा, आत्मदृष्टि, सत्पुरुष की उपासना, पवित्र कथा का श्रवण, और जो लोग केवल धन और केवल भोग,
इन्हीं की चर्चा करने वाले हैं और इन्हीं में मजा मानते हैं, उनकी गोष्ठी में मत बैठो, लालच मत करो उनकी गोष्ठी में बैठने की। ये लंपट लोग जो हैं, ये चोर जुआरी जो हैं, आप जानते हो ना, सुना ही होगा आपने। एक सज्जन ने एक महात्मा से आके कहा कि अमुक व्यक्ति जो है ना, वो करोड़पति हैं, बहुत धनी हैं। बोले हाँ भाई ठीक है, होंगे करोड़पति, होंगे धनी होंगे। फिर उसने कहा महाराज वो बड़े ईमानदार हैं। तो बोले भाई पहली बात मैंने मान ली, अब दूसरी के लिए माफ करो। यदि बहुत ईमानदार होते तो इतने बड़े संपन्न कैसे होते, इकट्ठा कैसे करते। ये देखो ये सृष्टि है। तो असल में उनके साथ बैठने से तृष्णा आती है, उनके साथ बैठने से भोग वासना आती है। भोग की तरह तरह की तरकीब बताते हैं वो, कमाने की तरह तरह की तरकीब बताते हैं। एक सज्जन थे, उनको खाने की तृष्णा थी, तो खाने के बाद एक खा लेते, फिर थोड़ी देर के बाद दमन करते, फिर भूख लगती तो फिर खाते, क्योंकि वो चीज खाने में बड़ी रुचि। एक सज्जन थे इंदौर के, उन्होंने स्त्री का संभोग करने के लिए अपने मूत्रेंद्रिय का परिवर्तन करवाया था नारायण। ये भोगी लोग क्या नहीं करते हैं, उनको जो रुचे उससे बचो, एकांत में रहने की आदत डालो, भगवत कथामृत का पान करो, किसी को सताओ मत, भगवान की याद करो, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करो। बारंबार बारंबार भगवान की कथा सुनोगे तो तुम्हारे हृदय में भक्ति आ जाएगी। ये भगवान में जो भक्ति है वो सबसे बड़ी वस्तु है। जब ये आ जाती है और गुरु मिल जाता है, यदा रतिर ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान आचार जवान ज्ञान विराग रम्भसा। आचार जवान वेद, जिसके गुरु होता है वो परमात्मा को जानता है। आचार्या दैव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत, जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। नहीं तो वासना इतनी प्रबल है महाराज कि किताब पढ़ो तो अपनी वासनाएं किताब में भी दिखाई पड़ेगी कि इसमें भी और देखो ये चीज हमारे मतलब की है। जब मनुष्य के मन में ज्ञान वैराग्य होता है, पंचकोश का दाह होता है। देखो बात इतनी है कि जब तक अंतःकरण रूप उपाधि है तब तक मनुष्य अपने को और परमात्मा को अलग अलग देखता है। जैसे शीशा है तो मैं और मेरी परछाई दोनों अलग अलग, और शीशा नहीं है तो मैं और मेरी परछाई अलग अलग नहीं, अंतःकरण में देखने वाले की परछाई दिखती है और कुछ नहीं दिखता है नारायण। तो इस पानी में भी अपनी परछाई दिखती है, पानी नहीं तो परछाई नहीं। इसलिए ये जो मन है इसको शांत करना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है। इसलिए इसके नाश का एक बहुत बढ़िया उपाय है। तब मन में बुरी बुरी बातें आती हैं, अच्छा आती हैं, वो तो आने के पहले मालूम नहीं पड़ते, इसलिए आने से पहले रोकोगे कैसे। जो चीज मालूम हो ना कि आज हमारे घर में चोर आने वाला है तो तिवाड़ी बंद कर लो, पुलिस ला के बैठा लो। ये तो महाराज बिना किसी टेलीफोन के, बिना सूचना के ही आधमकते हैं मन में। अच्छा तो आ गए तो क्या करो कि दो पाठ के बीच में पीस लो। एक तो करो मत, बुरी वासना आ जाए तो उसके अनुसार कर्म मत करो, और दूसरा अपने विचार के द्वारा उसका समर्थन मत करो। जैसे आपको स्वप्न में कभी बुरी वासना आती है तो स्थूल शरीर से वैसा करते नहीं है और विचार के द्वारा समझते नहीं है कि ये सच्ची है, तो सपना ऐसा भूल जाता है जैसे कभी हुआ ही ना हो। ऐसा जागृत में भी आप अनुष्ठान करें, ऐसे ही करें। ये जो हम दुनिया की चीजों का ख्याल करते रहते हैं ना, ऐसा ऐसा ऐसा,
वही हमारे मन को नष्ट करता है। कहीं भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। धर्म करो, धन कमाओ, भोग करो, लेकिन आसक्ति मत करो। चार पुरुषार्थों में मोक्ष सबसे बड़ा है, क्योंकि ये स्वतंत्र है। धन होता है बाहर, उसमें बड़ी पराधीनता है, और काम होता है मन में, लेकिन वो इतना अधिक होता है कि सारी दुनिया की वस्तु एक आदमी को मिल जाए तब भी तृप्ति नहीं होगी। इसलिए उससे भी अंतर बुद्धि में धर्म को बैठाकर मन में आने वाले काम और बाहर रहने वाले अर्थ दोनों की वासना को नियंत्रित कर लो, ये धर्म है। अर्थ और काम दोनों के ऊपर धर्म बैठता है, और धर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है तो उससे अविद्या की निवृत्ति के योग्य विद्या उत्पन्न होती है, और उस विद्या से अविद्या का नाश हो जाने पर अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित जिस अंतःकरण में अज्ञान का नाश हुआ है वो इसमें है, जिसका है, जिससे है वो मुक्त है, उसी का नाम मोक्ष है। सो नारायण, सबके अंदर क्षेत्रविद तपतया हृदय विश्वगावि प्रत्यक्ष कास्ते, परमेश्वर कहाँ है? इस देह रूपी खेत को जानता है, इसका संचालन करता है, और नारायण वही असल में परमात्मा का स्वरूप है। परिच्छिन्नता की उपाधि छोड़ देने पर तमवेही सोस्मि क्षेत्रविद तपतया नारायण, क्षेत्रविदम जीवम तपति तत्तया विश्व सर्वतः आवि प्रत्यक्ष प्रत्यक प्रतिलोमम विवेकेन निराकृतिर्जस्य, ऐसा जो प्रपंच है प्रपंच का निराकरण करो और परमात्मा से अपनी एकता को जानो। बोले भाई देखो, चाहे जितनी गप पहाको, बड़ी बड़ी बातें केवल गप फांकने के लिए होती हैं, व्याख्यान देना दूसरी बात है, और जीवन को निर्मल बनाकर परमात्मा से एक कर देना ये दूसरी बात है। तो जब भगवान के चरणारविंद के दल की भक्ति हृदय में आती है तब कर्माशय मिट जाता है। भगवान का भजन करो, वासुदेव का भजन करो। संसार में बड़े बड़े दुख हैं, क्या बताएं, पर्दे के नीचे महाराज जो बड़े बड़े धनी मानी राजा विद्वान, जिनको दुनिया के लोग बाहरी लोग समझते हैं कि ये बड़े सुखी हैं, जब वो मिलते हैं तब पता चलता है कि सच्चाई क्या है। आप लोग एक दो चार दस परिवार जो आपके संपर्क में है उन्हें जानते होंगे। हम कन्याकुमारी से गंगोत्तरी बद्रीनाथ तक, और आसाम से नारायणपुर बंदर बम्बई घूमते रहते हैं। हम जानते हैं कि ये जो दिखावा बड़ा भारी है, एक पोल पट्टी है, भीतर भीतर सब जगह दुख। इस प्रकार महाराज सनत कुमार ने पृथु को उपदेश किया। अब पृथु बोले का वैसे तो पहले हमारे पास भगवान भी आए थे, भगवान के आने से उतना काम नहीं बनता है। ध्रुव को भगवान मिले, परंतु काम बना स्वयंभुव मनु के मिलने से। पृथु को भी भगवान का दर्शन हुआ, परंतु काम बना सनत कुमार के दर्शन से। भगवान से भगवान के भक्त बड़े हैं, भागवत बड़े हैं। भागवत माने भगवत भगवान के। बोले आप लोग भगवान के अनुग्रह को पूर्ण करने के लिए आए हैं, हमारे पास तो जो कुछ है वो साधुओं का उच्छिष्ट है, आपको दें क्या? अच्छा, हमारे प्राण, स्त्री, पुत्र, घर, सामग्री, राज, बल, पृथ्वी, खजाना सब आपको समर्पित है। अरे हम लेकर क्या करेंगे? बोले महाराज कर तो आप ही सकते हैं, क्योंकि जो विद्वान है वो सेनापति हो सकता है, राजा हो सकता है, दंड दे सकता है। सर्वेश श्रुति कहते हो, एस सर्वाधिपति ही।
ये सबका अधिपति है। सत्स्वराट भवति, सत्सम्राट भवति। परमात्मा को जान लिया तो स्वराट हो गया, सम्राट हो गया, सर्वाधिपति हो गया। भाष्यकारों ने बड़ा विचार किया, ज्ञानी सर्वाधिपति कैसे हो जाएगा। बोले देखो, एक आदमी के हाथ में 5 रुपया है, लेकिन उसको ये आज्ञा दे दी गई कि तुम किसी को देना नहीं, रखना अपने हाथ में। तो 5 रुपये का मालिक है कि नहीं? मालिक नहीं है, वो पहरेदार है, वो तो नौकर है। जिसको स्वातंत्र है कि छोड़ सके, सर्वाधिपति तत्वज्ञानी क्यों है कि वो सर्व का त्याग कर सकता है। इसलिए वही सर्वाधिपति है जो सर्व का त्याग कर सके। सब दिया बराबर, आपका ही सब है, आपका ही हम भोगते हैं, आपने तो हमको परमात्मा दे दिया, हम इसके बदले में ऐसी क्या चीज है जो आपको दें। अब तो महाराज सबके बीच में ही ऐसे उड़ गए हो महात्मा लोग, ये पता ही नहीं चला। अब तो राजा अपने राज्य का पालन करने लगे। उनके कर्म करने में विशेषता क्या थी? कर्माणि च यथा कालम यथा देशम यथा बलम यथोचितम यथा वित्तम अकरोद ब्रह्म सात कृतम। ये कर्म करने की विधि है, समय के अनुसार काम करना चाहिए। अपना भी टाइम टेबल बना लो और परिस्थिति भी देख लो बाहर के, जैसा स्थान हो वैसा काम करना चाहिए, जितनी शक्ति हो उतने ही काम करना चाहिए, जितना उचित हो उतने ही काम करना चाहिए। एक सज्जन को छुट्टी दे दी गई कि खजाना में जाओ और घंटे भर के भीतर जो तुम्हें पसंद आवे सो ले लो। अब वो महाराज गए तो पहले तो क्या लें, ये लें, ये लें, ये लें, ये लें, चुनते रहे, फिर इकट्ठा करने लगे। अच्छा ये भी, ये भी, ये भी, और इतना ज्यादा इकट्ठा कर लिया कि उनसे उठे नहीं, है ना, अपनी शक्ति से बाहर। तो बोले अच्छा कोई आ जाएगा तो उसको आ देगा। उतरे में घंटी बज गई, निकल जाओ खाली हाथ, समय पूरा हो गया। अपने बल के अनुसार जितना उचित हो उतना, जितना धन हो उतना, और जो कुछ भी करे आत्मसात ब्रह्मसात कृतम। सर्वात्मा जो परमेश्वर है, सबकी भलाई को ध्यान में रखकर जो काम किया जाता है वो परमेश्वर को अर्पित होता है। फल परमात्मा को अर्पित कर दो। कहीं भी आ सकते थे, घर में रहते थे, वो गृहस्थ थे, प्रभु उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, 5 बेटे थे, विजिताश्व धूम्रकेश हरजक्ष, ये 5 बेटे थे। नारायण सुख भगवान की आराधना करते हुए घर में रहते, सबको देते लेते, 8 लोकपाल का गुण अकेले धारण करते। महाराज बड़ी भारी कीर्ति उनकी फैल गई। जब उन्होंने देखा कि अब बुढ़े हो गए, तब उन्होंने कहा कि हमेशा काम करना उचित नहीं है, अब थोड़ा विश्राम करना चाहिए। जैसे जागरण के बाद निद्रा आवश्यक है जीवन में, वैसे श्रम के बाद विश्राम आवश्यक है जीवन में। जिन मजहबों में, जिन संप्रदायों में चतुर्थाश्रम का जीवन नहीं है वो तो अधूरे संप्रदाय हैं, वो तो धर्म का रहस्य जानते ही नहीं। धर्म का रहस्य केवल जागने में नहीं है, सोने में भी है, श्रम में ही नहीं है, विश्राम में भी है, प्रवृत्ति में ही नहीं है, निवृत्ति में भी है, राग में ही नहीं वैराग्य में भी है। अब उन्होंने अपने बच्चों को कहा संभालो बेटा, पृथ्वी तो मानो रो रही हो। फिर उन्होंने वानप्रस्थ का नियम लिया और जैसा सनत कुमार ने उनको उपदेश दिया था उसके अनुसार वो आचरण करने लगे। अब तो महाराज उनको ज्ञान ऐसा हुआ, एक ज्ञान ऐसा होता है वो उपरक्त ज्ञान बोलते हैं उसको, जिसमें रंग दुनिया का रंग चढ़ा हुआ है और ज्ञान है, रंगा रंगाया ज्ञान है। उन लोगों का समय दूसरे की बात काटने में ज्यादा बीतता है, अपना करने में कम बीतता है, दूसरे का काटने में ज्यादा। वो कैंची है, कैंची करतरी संस्कृत में बोलते हैं, कर्त, कर्त को उलट दो तो तर्क होता है,
एक ओर से कैंची चलती है ना, तो उससे कपड़ा काट के फेंक देते हैं, किस काम आती है, और सुई होती है उससे कपड़ा सीते हैं और टोपी में लगा लेते हैं, अपनी पगड़ी में खींचते हैं। जो सीता है वो ऊपर चढ़ता है और जो काटता है वो फेंक दिया जाता है। जीवन का रहस्य काटने में नहीं है, वो अल्पो महाराज दे, जब मृत्यु का समय आया निष्प्रिय योगाभ्यास करके बैठ गए और क्रम से उन्होंने अपने आप को परमात्मा में मिला दिया। उनकी पत्नी को जब मालूम पड़ा कि अब तो पतिदेव के प्राण जो हैं वो शरीर में नहीं रहे, तब उसको कुछ रोना नहीं, दुखी नहीं हुई। नाबिंदतार्तिम परिकर्षिता पिसा प्रेयस कर स्पर्शन मान निर्वृत्ति ही नारायण, बहुत आरती नहीं हुई नारायण से। फिर जो अंत्येष्टि कर्म करना, तो रोने से तो कोई काम बनता नहीं, जो अपने सिर पे आ जाए उसको करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नित्य कृत्य वो जो कर्म था अंत्येष्टि कर्म, नारायण संपन्न करके चिता में उनके साथ वो भी जल गई। लोग वाह वाह, धन्य है ये बहू, उसकी प्रशंसा होने लगी, देवियां उसकी महिमा गान कर रही। और वो ऐसे थे ये पृथु नारायण, इनके यश का गान करने से बड़ा पूर्ण चरित्र है वो, आप जन्म से देखेंगे, जन्म से परस्पर ये ऐसा चरित्र मिलना, पुराणों में भी इतना पूर्ण चरित्र किसी व्यक्ति का मिलना बड़ा कठिन है। बीज की स्थापना, प्राणियों की रक्षा, पृथ्वी की समता, नगरों को बसाना, यज्ञ जाग का अनुष्ठान करना, ईश्वर को प्रसन्न करना, सबकी भलाई करना, अपनी तारीफ नहीं सुनना, और लोगों को ठीक शिक्षा देना, और सत्संग करना, योगाभ्यास करना, कर्मानुष्ठान ठीक करना, पृथु का चरित्र जो है वो अद्भुत है। अब उन्होंने महाराज, उनका जब बेटा राजा हुआ तो उसने देखा इतनी बड़ी पृथ्वी हमसे अकेले नहीं संभल सकती, तो उसने अपने छोटे भाइयों को बांट दिया। अब इन्हीं के वंश में चलकर आगे एक बरहिषद नाम के व्यक्ति हुए। बरहिषद वो यज्ञ में बैठते थे, वो इतने यज्ञ किए उन्होंने महाराज कि यदि उनका हिसाब लगाया जाए कि कुछ कंडिका जो हुई यज्ञ वेदी के चारों ओर जो कुश बिछाए गए, एक बार दो बार तीन बार चार बार इतने यज्ञ किए कि यदि हिसाब लगाया जाए तो सारी धरती पर कुश ही कुश छा जाए। एक सज्जन ने हिसाब लगा के बताया था वो कि यदि सब लोगों को धरती में गाड़ा जाए और पांच पांच फुट जमीन सब लोगों को दे दी जाए तो 100 पीढ़ी में धरती पर एक इंच भी जमीन ऐसी नहीं बचेगी जहां मुर्दे न गड़े हों। और गणितज्ञ लोग तो ऐसे ही हिसाब लगाते हैं ना, वो तो गणित के विद्वान होते हैं, अब उनको क्या कहें। एक गणितज्ञ ने हिसाब लगाया है कि यदि हिमालय जितन जैसे क्षीण हो रहा है वैसे क्षीण होगा तो 5 करोड़ वर्ष में ये तिब्बत है, ये हिमालय है, ये सब समुद्र हो जाएगा, तो अभी से उपाय करना चाहिए। तो वाह वाह वाह, इस समय तो करने के लिए कोई काम है नहीं, 5 करोड़ वर्ष के बाद की योजना पूरी करेंगे। इससे उनकी विद्या प्रकट होती है, वो उनके गणित का ज्ञान प्रकट होता है ना, परंतु वो लोक के लिए इस समय क्या हित करने वाला है उसका पता नहीं चलता है। सो नारायण इतना कुछ उन्होंने बिछाया और उन्होंने समुद्र की पुत्री शतद्रुति से विवाह किया। समुद्र में जो द्वीप आदि हैं या समुद्र देवता की लड़की ऐसे समझो। नारायण बड़ी सुंदरी थी वो, सो उनके 10 पुत्र हुए शतद्रुति से। उनका एक नाम, उनका एक धर्म, उनका नाम था प्रचेता। प्रचेता माने ज्ञान में बहुत बड़े, चेतस माने ज्ञान होता है। पिता की आज्ञा से वे गए तपस्या करने। अब प्रसंग ये है कि ये जो चतुर्थ स्कंध के अंतिम 8 अध्याय हैं, इनमें मोक्ष का वर्णन है। तो
ये मोक्ष का वर्णन कैसा है कि चार अध्याय तो सगुण मुक्ति के वर्णन के हैं और चार अध्याय निर्गुण मुक्ति के वर्णन के हैं, परंतु संदंशन न्याय से हैं। सगुण मुक्ति दो अध्याय पहले और दो अध्याय बाद में, और बीच में चार अध्याय निर्गुण मुक्ति, इसको सनासी न्याय बोलते हैं। जैसे सगुण मुक्ति ने निर्गुण मुक्ति को अपने पेट में पकड़ लिया हो, पुराणों की कथा समझने के लिए एक परंपरा होती है, उसका भी एक संप्रदाय होता है। संप्रदाय माने जब से पुराण बने हैं तब से उनको समझने की जो पद्धति परंपरा से चली आई है उसको संप्रदाय बोलते हैं। सम्यक प्रकृष्ट दाय, दाय माने उत्तराधिकार, संप्रदाय उत्तराधिकार में प्राप्त होता है। अब जब वो महाराज पिता की आज्ञा से तपस्या करने के लिए गए तो प्रतीची दिशा में गए, प्रतीची दिशा माने अंतर्मुखता, और वहां जाकर के उन्होंने एक सरोवर देखा। सरोवर के अंदर से बड़ा भारी संगीत, संगीत की ध्वनि आ रही थी। वहां उनको गौरी शंकर के दर्शन हुए। गौरी शंकर ने कहा कि अरे तुम लोग प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए हम आए हैं, भगवान की शरण लेनी चाहिए मनुष्य को, नहीं तो उसका अहंकार बढ़ जाता है। हो यदि आपके मन में कभी दीनता आवे कि हम बहुत गरीब हैं, दीन हैं, हीन हैं, ऐसा भाव आता है कभी कभी, तो देखना कि तुमसे जो गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, भोजन नहीं है, कपड़ा नहीं है, वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तुम दीनता के मारे आत्महत्या करने जा रहे हो, बेवकूफी है तुम्हारी बला। और यदि कभी घमंड आवे कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो अपने से बड़े की ओर ख्याल करना। देखो तुमसे कितने बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं। एक बहुत बड़े धनी ने हमको बताया कि महाराज हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमको मालूम पड़ता है हम बहुत बड़े धनी हैं, लेकिन जब अमेरिका में जाते हैं तब हमको अपनी गरीबी का पता चलता है। वहां तो हमको कोई पूछते ही नहीं है कि ये इतने बड़े आदमी हैं, तो हम लोगों को अपना बड़प्पन दिखाते हैं और ऐसे मुंह बंद करके बैठते हैं। मैंने एक से पूछा कि तुम इतने चुप क्यों रहते हो। बोले महाराज हमारे पास ज्यादा गरीब लोग आते हैं, उनसे हिल मिल जाए, बातचीत करने लगे तो फिर कुछ चंदा वंदा मांगते हैं, इसलिए जरा चुपचाप रहते हैं। हमारी जोड़ी के लोग मिलते हैं तो उनमें हम हंसते हैं, बोलते हैं, चिटोली करते हैं। सो नारायण घमंड आवे तो अपने से बड़े का ध्यान करना, और सबसे बड़ा ईश्वर है। ईश्वर का ध्यान करोगे तो कभी अभिमान नहीं होगा। ये सब आगे ये कथा आवेगी कि कौन सा दोष निवारण करने के लिए किस रोग की क्या दवा है, किस दोष की निवृत्ति का क्या उपाय है। तो बोले तुम तो भगवान के बड़े प्यारे हो। शंकर जी ने कृपा करके उनको भगवान वासुदेव की स्तुति बताई। सर्वस्मा आत्मने नमः, आप ही सब हैं और आप ही आत्मा हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे कमलनाभ वासुदेव शांत कूटस्थ, आपको नमस्कार करते। नमः माने वैसे तो नमन होता है, झुकना, प्रभिभाव, नम प्रभिभाव है, लेकिन वैष्णव ने इसका अर्थ दूसरा किया है। और अहिर्बुद्ध ने संहिता में न मैं इति नमः, मेरा नहीं बाबा तुम्हारा है, सिर रख लिया सामने, ये सिर मेरा नहीं तुम्हारा है, इसको बोलते हैं नमः। नमः माने भगवद अर्पण, न मैं इति नमः। ये पाणिनीय व्याकरण से ये शब्द नहीं बनता है, ये निरुक्त की रीति से बनता है। अब महाराज उन्होंने बड़ी भारी स्तुति करके बताई, आप सभी प्राणी आपके शरीर हैं, ये पृथ्वी भी आपका शरीर है, आप ही सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले हैं। हे प्रभु दर्शनम नो दिदृक्षूणाम देहि भागवतार्चितम् रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। हम आपका दर्शन चाहते हैं, दर्शन के प्यासे हैं, भक्त लोग आपके जिस प्रियतम रूप का भजन करते हैं
और जो हमारे अंतर में रह करके आंख को रोशनी देता है, संपूर्ण इंद्रियों को शक्ति देता है, सर्वेन्द्रिय गुणांजनम, सर्वेन्द्रिय विषय विषयी रूपाम, वही इंद्रियों से बाहर मालूम पड़ता है और वही इंद्रियों के भीतर रहकर मालूम करता है, वही देखने वाला, वही देखने वाला खूब जाना है। ये अनजाना बने बैठे हैं आप में, आप से फिर पर्दा ढके बैठे हैं। वह कहूं और यह कहूं, तुम कहूं, मैं भी कहूं, वस्तु तो एक ही है, नाम भरे बैठे हैं नारायण भगवान का ध्यान बताया। ऐसे ध्यान करना, मन को टिकाने के लिए एक आकार चाहिए, उस आकार में मन टिकाना, इसी भक्ति से निर्भय पद की प्राप्ति होती है। यदि क्षण भर के लिए भी इस परमात्मा में मन एकाग्र हो जाए तो बढ़िया आदत बन जाती है। यदि भगवान के भक्तों का संग मिल जाए तो उसके सामने स्वर्ग मोक्ष कुछ नहीं है। जीवन में भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है, इसकी क्या पहचान है? कृपा भी साकार होती है। अच्छा, जब आप भगवान से कहते हो कृपा करो कृपा करो कृपा करो, तब क्या चाहते हो? कि हमारे पैसा भेज दो, बेटा भेज दो, है ना? क्या चाहते हो? कुछ मालूम है? तुम्हारे मन में कोई स्पष्ट धारणा है कि हे प्रभु कृपा करो? कृपा जो मांग रहे हो उसमें भी कोई सकल सूरत चाहिए कि इस रूप में आप कृपा भेजिए। तो भगवान जब अपनी ओर से कृपा भेजते हैं तो सत्संग भेजते हैं। स्यात् संगमो अनुग्रह एष नस्तव, जो बाहर की वस्तुओं में भटकता नहीं है उसका मन ठीक है, उसमें भक्ति आती है। परमात्मा के स्वरूप में ही ये विश्व प्रकट हो रहा है, वही सब में भरपूर है। देखो जी, तुम काल का ख्याल करो कि मत करो, चूहा कब देखता है कि सांप कहाँ है, लेकिन सांप तो उसके ऊपर टूट पड़ता है। ऐसे ये मनुष्य इति कृत्य चिंतया, एटिकेट सीखने में जिंदगी बीत जाती है। इति कृत्य शब्द है ना, तुम एटिकेट सीखने में जिंदगी बीत जाती है। बड़े बड़े लोग जिनके घर में पहले चौके औके में भोजन होता था ना, अब लड़के जाते हैं होटल में खाने के लिए। तो मैं पूछता हूँ क्यों भेजते हो, तुम्हारे घर में तो भोजन बहुत बढ़िया बनता है। बोले वहां जाएंगे महाराज तो इनको विलायत जब जाना पड़ेगा ना, अमेरिका जाएंगे लंदन जाएंगे, तो वहां कैसे खाया पिया जाता है उसका एटिकेट सीख के आऊंगे। ये महाराज यही एटिकेट सीखने में मनुष्य प्रमत्त हो जाता है और काल जो है वो उसके सिर पर कूद पड़ता है। एक सज्जन हमारे पास आते हैं, कोई हम समझते हैं 8 वर्ष 10 वर्ष हो गया, वो क्या कहते हैं नोट करते हैं, आते हैं तो पूछ पूछ के प्रश्न ले आते हैं, 10-20 प्रकार प्रश्न आते हैं, घंटों बैठ के पूछते हैं। कहते हैं हम अमेरिका में जाएंगे महाराज तो वहां प्रचार करेंगे। अब 10 वर्ष तो हो गया, बुढ़े हो रहे हैं, कब जाएंगे कब प्रचार करेंगे? अपने मन में ये जानते हैं हम तो, अपने मन में तो प्रचार करते नहीं है, अमेरिका प्रचार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व सृष्टि ध्वस्त हो रही है, आप अपने जीवन को बनाइए, अपने मन को बनाइए। शंकर जी ने ये उपदेश किया, महाराज तुम लोग श्रेयसाम ये सर्वेशाम ज्ञानम निश्रेयसम परम, ज्ञान तुम सीख लो नारायण। इस स्तुति का जो पाठ करता है नारायण, उसकी उसके कर्म बंधन छूट जाते हैं। अब शंकर जी तो महाराज उपदेश करके गए नारायण, और वे लोग जा करके भगवान का भजन करने लगे। उधर महाराज बेटे लोग तो चले गए भजन करने को, और शंकर जी गुरु मिल गए और वो भगवान के ध्यान में लग गए। अब इधर जो बाप जी थे वो तो यज्ञ करते थे, वही कुशकंडिका बिछ रही है उस पर कुश, सो नारद जी उनके पास पहुंच गए। नारद जी बड़े अद्भुत हैं, उन्होंने कहा राजा ये तुम कर क्या रहे हो, सो तो बताओ, क्या तुम अपने दुखों को मिटाना चाहते हो, क्या तुम सुख की प्राप्ति करना चाहते हो,
तो वो तो इससे नहीं बनेगा। राजा ने कहा कि महाराज हमको तो कुछ मालूम नहीं है, हम तो घर द्वार की बात, खाने पीने की बात जानते हैं, यज्ञ करते रहते हैं। नारद जी ने कहा जरा ऊपर तो देख राजा, जिन जिन पशुओं को तुमने मारा है अपने यज्ञ में, वो देख वो आसमान में खड़े हैं तुमसे बदला लेने के लिए। अब काटे संपरेतम अयकूट छिंदन तुत्थित मन्यवाह, उनको गुस्सा आ गया है। जब तुम मर के स्वर्ग की तरफ जाने लगोगे तो रास्ते में तुम्हें काट कूट के रख देंगे। इसके बाद एक उपाख्यान सुनाया हो, एक कहानी सुनाई उन्होंने। उपाख्यान का अर्थ ये होता है कि जैसा हमारे अंतर में जीवन में जैसी घटना घट रही है उसी की तुलना में एक कहानी गढ़ के सुना दी। उपन्यास बोलते हैं उसको, उपन्यास है, उपाख्यान है, उपाख्यान। सो बोले कि देखो अब हम तुमको एक इतिहास सुनाते हैं। पुराणों में तीन भाषा होती है, एक लोक भाषा, एक समाधि भाषा और एक अन्य भाषा। तो तीनों के रहस्य को भेद को जो जानता है, समाधि भाषा प्रथमा लौकिकी थी तथा परा, तृतीया परकीय थी, शास्त्र भाषा त्रिधा स्मृता। पुराणों में तीन तरह की बोली होती है, तो यदि एक की संगति दूसरे से न लगे तो घबराना नहीं चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जहां शास्त्र पुराण गलत मालूम पड़ते हैं वहां ये नहीं समझना चाहिए कि ये गलत है, ये समझना चाहिए कि अभी हमारी बुद्धि जो है वो गलत है, पक्की नहीं है, इसलिए जहां तहां कच्ची कच्ची छिछली छिछली घूमती फिरती है। सो महाराज एक पुरंजन नाम के सज्जन थे। पुरंजन माने जो शरीर को पैदा करता है, पुरम जनयति जीवात्मा, जीवात्मा का नाम पुरंजन है। और उनके एक मित्र थे, उसका क्या नाम था, काविद्या, जिसको हम पहचानते नहीं है, ईश्वर। ये जीव ईश्वर की मैत्री की कथा है। तो ये माया कैसे माया पैदा होती है वो बताते हैं। सो महाराज ईश्वर तो उन्होंने कहा ईश्वर तो अपने घर का एक जगह खड़ा है, कहीं जाता थोड़ी तो रहेगा ना। वो बोले अब जरा ढूंढा ना है, तो जंगल में तो पृथ्वी में चले आए। नारायण यहाँ कोई स्थान उनको अच्छा नहीं लगा, ये नौ दरवाजे वाली जो नगरी है ना ये उनको अच्छी लगी। इसमें पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, बगीचे भी हैं, ये शरीर ग्रह नक्षत्र तारे भी हैं, ये कोई शरीर मामूली नहीं है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जथा ब्रह्मांड तथा पिंडे, ये लोकोक्ति है। जैसे सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र समुद्र नदी नद पहाड़ वृक्ष वन प्राणी बाहर है वैसे भीतर भी हैं। सो महाराज देखा उन्होंने कि पांच सिर का जो सांप है, पंच प्राण जिनको बोलते हैं, वो इस नगरी की रक्षा कर रहा है। वहाँ एक बहुत सुंदरी स्त्री थी, वर्णन तो बहुत बढ़िया है महाराज, परंतु आप लोग तो इतना बढ़िया जानते हैं संसार की बात कि कथा वार्ता में हम उसको सुनाने कैसे, है ना। नाक के दोनों छेद उसके बराबर बराबर थे, हो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं था, वाला दांत छोटे छोटे बड़े सुंदर उस स्त्री के थे। सुंदर कपोल दोनों कान सम विन्यस्त करणाभ्याम विभ्रतीम कुंडल श्रियम, दोनों कान बराबर बराबर थे, एक छोटा एक बड़ा नहीं, दोनों आंख बराबर। कदम्ब के पुष्प के रंग की साड़ी पहनी हुई थी, 16 वर्ष की नारायण, कमर में कर्धनी थी ऐसे। अब उसका सारा वर्णन किया हुआ है। दोनों महाराज दोनों मिल गए, उसको देखकर पुरंजन जी, वो बुद्धि प्रमदा उसको कहते हैं, बुद्धि थी जिसको देख करके मनुष्य मतवाला हो जाए। प्रकृष्टो मदो जया सा प्रमदा, जिससे बड़ा नशा हो जाए मनुष्य के मन में उसको प्रमदा बोलते हैं। उसने उसको देख करके नारायण बोले, सुंदरी तुमको देखकर मेरा मन तो व्याकुल हो गया है, तुम कौन हो, यहाँ से कहाँ से आई हो, जरा आंख उठाकर मेरी ओर देखो तो। अब तो वो हंसने लगी और वो भी मोहित हो गई, दोनों में बातचीत हो गई।
प्रेम हो गया। उसने कहा आप इसी नगरी में रहिए और अर्थ काम भोगिए, आप जैसा पति प्यारा हमको कहाँ से मिलेगा, आप में तो हमारा मन आसक्त हो गया है। वो जैसे महाराज स्त्री पुरुष आपस में जब प्रेम करते हैं बातचीत करते हैं वो इसमें सब है बोला नारायण, हम लोगों को तो इसी से मालूम होता है, वैसे कहाँ सुनने को मिलेगा बोला। तो अब वो जो नगरी थी ना उसके सात दरवाजे ऊपर की ओर थे, जैसे दो कान दो आंख दो नाक दो मुंह दो नीचे की ओर थे महाराज, और एक एक दरवाजे से वो एक एक काम करने के लिए बाहर जाया करता था। नारायण अंतःकरण में जो कुछ मोह प्रसाद हर्ष होता वो फिर बेटे हो गए, बहुत ही बेटे हो गए, काम में लग गया। अब वो पत्नी के साथ इतना मिल गया, माने बुद्धि के साथ आत्मा का इतना तादात्म्य हो गया कि वो बुद्धि पिए तो उसको मालूम पड़े मैं पी रहा हूँ, वो हंसे तो मालूम पड़े मैं हंस रहा हूँ, वो बोले तो मालूम पड़े मैं बोल रहा हूँ, दौड़े तो बुद्धि के साथ तादात्म्य प्राप्त हो गया, वो खुश हो तो वो खुश हो। इस प्रकार महाराज बुद्धि ने उसको ऐसा ठग लिया, वो प्रमदा से ऐसा वंचित हो गया कि उसका बिल्कुल खिलौना बन गया, अपना पुरुषत्व चेतनत्व दृष्टित्व सब भूल गया। एक दिन वो गया शिकार खेलने के लिए, वो रथ का भी बड़ा बढ़िया वर्णन है, और वहाँ जाकर के उसने बड़े बड़े शिकार किए, भूख प्यास लगी तो घर में आया, लौट करके घर में आया तो वहाँ आकर के स्नान किया, वस्त्र पहने और अपना नारायण कुछ खाया पिया। उसके बाद ख्याल आया कि आज हमारी श्रीमती जी नहीं दिख रही हैं, वो कहाँ हैं? तो उन्होंने दासियों से पूछा कि वो कहाँ है। सो महाराज उनका बाबा पता नहीं है क्या हो गया है उनको, वो तो आज कोप भवन में बड़े लोगों के घर में रूठने के लिए भी एक कमरा होता है, मैंने देखा है बोला। हमने पूछा कि ये कमरा किस लिए है, तो बोले कि जब श्रीमती जी रूठते हैं तो इसमें आके सो जाते हैं बोला, वो इसी काम के लिए है। तो फिर मनाने लायक भी उसमें सुविधा रहती है कि किसी को पता न चले कि पतिदेव कैसे कैसे मना रहे हैं, बेइज्जती तो नहीं हो ना। तो हम जाके बैठे थे उस कमरे में, और हम तो रूठे नहीं थे पर बैठ के आए। अब पुरंजन कहने लगे कि मैं तो देवी तुम्हारा सेवक हूँ, और जब मुझसे कोई अपराध हो गया, अब देखो आप लोग कहीं अपने पतियों से ऐसा बर्ताव मत करना, मतलब कि वो हमसे ऐसा कहें तब हम मानेंगे, यदि कोई आत्मीय जन अपराध करता है तो मालिक उसको दंड देता है, सेवक को दंड देना ये प्रभु की कृपा है। सो नारायण मूर्ख लोग इस बात को नहीं जानते हैं, अरे तुम जरा अपनी आंख टेढ़ी करो, पांव टेढ़ी करो, चार बात हमको सुनाओ, तब हमको शांति मिलेगी, जब दंड दे लोगी तो प्रसन्न हो जाओगी। सो नारायण ऐसे तुमको देख करके तो हमको कोई शांति नहीं मिलती है, आज हम सिर पर तिलक नहीं लगाया, आज अच्छी साड़ी नहीं पहनी, आंसू बह रहे हैं आज से, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ देवी, मैं तुमसे पूछे बिना शिकार खेलने के लिए चला गया था, सो मैं तो तुम्हारी सेवा कर सेवक हूँ, तुम्हारा सेवक हूँ, माफ करो क्षमा करो, पांव छूता हूँ प्रणामान तो माना। अब तो महाराज इस तरह हो, ये उसके नखरे थे, वो अपने पति को बस में करने के लिए नखरे थे, खा पी के सोई थी बोला, खा पी के सोई थी। इत्थम पुरंजनम सम्यक बसम आने, ये विभ्रमई, विभ्रम माने संस्कृत भाषा का जो विभ्रम शब्द है उसका अर्थ है नखरे, नखरे करके। अब तो उसने भी स्नान किया और भोजन किया, तृप्त हुई। अब महाराज इस तरह है, उनके बहुत सारे समय, बहुत सारा समय बीत गए, बहुत भारी उनका वंश चला, उनकी बेटी बेटी का बेटे का ब्याह हुआ, लेकिन समय बीतते तो देर नहीं लगती, ये जो काल है इसके 360 काली काली रात्रियां,
और गोरे गोरे दिन ये उसके सैनिक हैं। वो पुरंजन की नगरी पर शरीर पर काल ने आक्रमण किया। नारायण मौत जो है वो बुढ़ापा लेकर के आती है, शरीर को जर्जर बना देती है, जीर्ण कर देती है,